बॉक्स ऑफिस पर इस फ्राइडे रिलीज हुई है सिद्धार्थ और जैकलीन की एक्शन पैक्ड फिल्म अ जेंटलमैन। अ जेंटलमैन में सिद्धार्थ मल्होत्रा पहली बार डबल रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म आपको आमतौर पर दिखने वाली जुड़वा फिल्म से हटकर लगेगी। यूं कहें कि ये फिल्म एक जैसी शक्ल वाले दो लोगों की कहानी है जो आइडेंटिटी मिस्टेकन का शिकार हो जाते हैं। फिल्म की कहानी को अगर एक ही लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हम कहेंगे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एक्शन एंड सिद्धार्थ और जैकलीन की सिजलिंग केमिस्ट्री। फिल्म में सिद्धार्थ गौरव के किरदार में एक शरीफ लड़के बने हैं तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ऋषि के किरदार में एक रिस्की और एडवेंचरस टाइप के लड़के बने हैं और जैकलीन इस फिल्म में गौरव की लेडी लव के किरदार में है। राज और डीके के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म क्रिटिक्स को कैसी लगी है चलिए बताते हैं आपको। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू दिए हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ खास नया नहीं है, लेकिन फिल्म का एक्शन बेहद ही जबरदस्त है। साथ ही फिल्म में सिद्धार्थ के देशभक्ति वाले डायलॉग आपको खुश करने में कामयाब रहेंगे। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि फिल्म में सिद्धार्थ और जैकलीन की हॉट जोड़ी हर किसी को पसंद आएगी और जैकी के पोल डांस के आप दीवाने बन जाएंगे। फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की तो सिद्धार्थ और जैकलीन ने शानदार काम किया है। वहीं सुनील शेट्टी और दर्शन कुमार ने भी नेगेटिव रोल को बखूबी तरीके से निभाया है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर काफी टाइम से फुल एक्शन मूवी देखने का इंतजार कर रहे थे तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3 स्टार दिए हैं। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।